जय हिंद साथियों, वंशिका आल आजाद हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, एक और वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी इंडियन आर्मी में निकली हुई है साथियों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है साथियों, ट्रेडमैन की वैकेंसी निकली हुई है। तो साथियों, इस वीडियो में ये बताएंगे कि इंडियन आर्मी में जो ट्रेडमैन की वैकेंसी निकली हुई है, क्या योग्यता मांगा है, किस एज के कैंडिडेट इस फार्म को भर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में मिलेगा साथियों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा साथियों, नहीं तो समझ नहीं आएगा साथियों। तो आप लोग को साथियों नोटिफिकेशन दिखाने जा रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा साथियों। तो साथियों, आप लोग को नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। तो साथियों, इंडियन आर्मी हेड क्वार्टर नॉर्दर्न कमांड वैकेंसी 2022 में निकाला हुआ है साथियों। डिपार्टमेंट बता दें, हेड क्वार्टर नॉर्दर्न कमांड। पोस्ट नेम आप लोग को बता दें, बार्बर, चौकीदार, कुक, वाशरमैन, सफाई वाली, ट्रेडमैन, सफाई वाला, मैट, वार्ड सहायिका, एलडीसी, मैसेंजर की वैकेंसी निकाला हुआ है साथियों। टोटल वैकेंसी जो है साथियों, टोटल पोस्ट है 79 पोस्ट है साथियों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकला हुआ है साथियों। फार्म आप लोग को ऑफलाइन भरना है। फार्म अप्लाई डेट 2/7/2022 यानी 2 जुलाई 2022 से फार्म को भरना है साथियों। फार्म का लास्ट डेट है 15/8/2022। एडुकेशन क्वालिफिकेशन, बार्बर में 10वीं पास, चौकीदार में 10वीं पास, कुक में 10वीं पास, वाशरमैन में 10वीं पास, सफाई वाला में 10वीं पास, मैट ट्रेडमैन में 10वीं पास, वार्ड सहायिका में 10वीं पास, मैसेंजर में 10वीं पास, एलडीसी में 12वीं पास, प्लस टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड इन हिंदी। इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इन हिंदी। ऑन कंप्यूटर पर आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होगा। और साथियों, एज काउंट की बात करें तो 15/8/2022 से जनरल का 18 से 25 वर्ष कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एसी एसटी के कैंडिडेट 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, आप लोग को बता दें, बार्बर में 5 पोस्ट है, चौकीदार में 6 पोस्ट है, कुक में 6 पोस्ट है, वाशरमैन में 15 पोस्ट है, सफाई वाला में 7 पोस्ट है, मैट में 6 पोस्ट है, वार्ड सहायिका में 15 पोस्ट है, एलडीसी में 3 पोस्ट है, मैसेंजर में 6 पोस्ट है, सफाई वाला में 10 पोस्ट है। और साथियों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड यानी डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या संकलन करना है, साथ में क्या लगाना है वो बता दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट रूल सेल्फ अटेस्टेड। डॉक्यूमेंट आप लोग का जो भी होगा, इंटर हाई स्कूल का मार्कशीट या आधार कार्ड जो भी लगेगा साथियों, डोमोसाइल, जात निवास आप लोग का, भारत सरकार का जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, सभी का डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड लगेगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है स्वयं अपने से प्रमाणित करना। सेंड द फॉर्म बाई रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट ओनली। आप लोग को डाक द्वारा फॉर्म भेजना है, रजिस्ट्री करना है, नहीं तो आप लोग को स्पीड पोस्ट द्वारा आप लोग को भेजना है साथियों। फॉर्म सेंडिंग एड्रेस आप लोग को बता दें, कहाँ पर फॉर्म को भेजना है साथियों, तो टू कमांड मिलिट्री डेंटल सेंटर नॉर्दर्न कमांड NCSR गेट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल जूनियर विंग उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, पिन कोड है 18/21/01, CO 56A PO। आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस बता दें साथियों, आप लोग इसमें सिलेक्शन कैसे होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस आगे का क्या रहेगा,
पहले रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद स्केल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा आप लोग का, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। साथियों जैसे ही आप लोग रिटेन का तैयारी करिए साथियों, पहले रिटेन इसका होगा। और साथियों आप लोग को जैसे कोई वैकेंसी आता है इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो वंशिका आल जाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। धन्यवाद साथियों।